एनडी तिवारी के बेटे रोहित तिवारी की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी अपूर्वा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर रोहित की हत्या का जो मामला सामने आया बेहद चौंकाने वाला है। शक, नफरत और लालच के पीछे इसके तथ्य जुड़े हुए हैं और यह बताया जा रहा है कि जो तथ्य सामने आए उनके अनुसार 15 अप्रैल 2019 को रात 10 बजे के आसपास रोहित घर पहुंचे थे और वे उत्तराखंड गए थे। शाम को करीब 7:30 बजे पत्नी अपूर्वा ने उन्हें वीडियो कॉल किया था, जिसमें उसे वह महिला दिख गई थी जिसे लेकर अपूर्वा नाराज रहती थी। कुल मिलाकर रोहित के बारे में यह बताया जाता है कि रोहित ने उस महिला के साथ शराब पी थी और रात को 11 बजे उन्होंने खाना खाया। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर कमरे में रोहित सोने के लिए चले गए। बाद में अपूर्वा ने भी खाना खाया और टीवी देखी। करीब रात 1 बजे के आसपास वो पति के कमरे में गई, जहां पर महिला को लेकर रोहित से उसका झगड़ा हुआ। अपूर्वा ने रोहित की नाक, मुंह और गला दबाकर हत्या कर दी। नशे में होने के कारण रोहित विरोध भी नहीं कर पाए। बाद में अपूर्वा ने सारे सबूत मिटा दिए। पूरा घटनाक्रम करीब 1.5 घंटे चला। देर रात 2:30 बजे वह पहली मंजिल से भी नीचे आई। उसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। रोहित बीमार रहने की वजह से अक्सर देर तक जागते थे, इसलिए देर से सोकर भी उठते थे। यही वजह है कि किसी को शंका नहीं हुई। शाम 4 बजे नौकर ने सबसे पहले रोहित को कमरे में अचेत पड़े देखा। इसी बीच किसी ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। पिछले साल दिसंबर में रोहित की बाईपास सर्जरी हुई थी। ऐसे में लगा कि मौत नेचुरल है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मौत हाथ, मुंह और गला दबाने से हुई है। और अपूर्वा ने पुलिस के सामने कहा भी कि रोहित ने भी उसकी गर्दन दबाई थी, बचाव में उसने ऐसा किया और फिर अपने कमरे में चली गई। उस वक्त रोहित की मौत नहीं हुई थी। इस तरह का बयान देकर अपूर्वा ने केस को गैर इरादतन हत्या साबित करने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुल मिलाकर अपूर्वा के बारे में बताया जाता है कि अपूर्वा इंदौर के अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष पी के शुक्ला की बेटी है और उनका विवाह पिछले साल ही हुआ था। कुल मिलाकर अपूर्वा की मां ने भी यह आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।